140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, तुर्की में आए दिन भूकंप आते रहते हैं। अब से पहले तुर्की में 17 अगस्त 1999 को एक जबरदस्त भूकंप आया था जिसमें 17,000 लोगों की जान गई थी। उसी साल 12 नवंबर 1999 को एक और भूकंप आया जिसमें 845 लोगों की जान गई। आज फिर तुर्की में एक जबरदस्त भूकंप देखा गया है जिसमें 912 लोगों की जान गई है। और पड़ोसी मुल्क सीरिया और लेबनान से खबर है कि वहां पर भी 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 5385 लोग जख्मी हैं और 2800 इमारतें पूरी तरह जमींदोज़ हो चुकी हैं और 2470 लोगों को अब तक मलबे से निकाला जा चुका है। वहां के राष्ट्रपति सैयद तैयब अर्दोगान ने यह कहा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। भारत ने भी इस पर दुख जताया है और मदद की पेशकश की है। एक तरफ वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और बर्फबारी हो रही है और दूसरी तरफ एक खतरनाक आज भूकंप ने लोगों की जिंदगी उजाड़ कर रख दी है। यह भूकंप 7.8 तीव्रता का था जो बेनता खतरनाक था, जिसकी वजह से जो इमारतें हैं वो मलबे में तब्दील हो गई हैं।